सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट जॉब्स एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, दोबारा मैं उपस्थित हूं उसी पाचन तंत्र का आगे का अंश लेकर शेष भाग। तो चलिए, मैं सुधीर कुमार त्रिपाठी आपको दोबारा पढ़ाने जा रहा हूं, दोबारा समझाने जा रहा हूं इस संपूर्ण तंत्र को। देखिएगा, इधर पाचन तंत्र यहां से शुरू करते हैं, माउथ से लेकर के स्टार्ट होगा। आपको मालूम होना चाहिए ये पूरा संपूर्ण तंत्र माउथ से लेकर के इस रेक्टम तक के भाग को 12 से 15 मीटर लंबा होता है। उसमें से भी सबसे लंबा पार्ट क्या है आपका, 7 मीटर। देखिए, जीव विज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है टर्मोलॉजी, यानी जो शब्द होते हैं वही आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसलिए शब्दों को याद करने का तरीका मात्र है कि आप उसे कम से कम एक बार उसका दर्शन उस शब्द का जरूर करें, अवश्य करें, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। माउथ से लेकर के यानी मुख से लेकर के रेक्टम यानी जो आपका आखिरी रास्ता है एनस गुदा द्वार तक की लंबाई 12 से 15 मीटर होती है। उसमें से भी सबसे लंबा पार्ट छोटी आंत है, 7 मीटर, लगभग 20 फुट के आसपास। और उसमें से भी सबसे लंबा पार्ट 3.5 मीटर होता है, किस चीज का, छोटी आंत का एक भाग है, नाम है इलियम। और जानते हैं छोटी आंत का वो हिस्सा जो अमाशय से जुड़ा होता है, जो पेट से जुड़ा होता है, ये एग्जाम में आता है कि डियोडनम किसका पार्ट है, पक्वाशय किसका भाग है, तो आपका उत्तर होता है छोटी आंत। ध्यान रखिएगा, अभी मैं एक आईएएस का भी प्रश्न यहां डिस्कस करूंगा। देखिए, इधर डियोडनम जो जुड़ा है वो अमाशय से जुड़ा है, और हां इलियम जो जुड़ा है वो बड़ी आंत से जुड़ा हुआ है। अब आता है इन दोनों के बीच के भाग को क्या कहते हैं, जेजुनम कहते हैं। और याद रखिए, सब में आप देखिएगा UM UM UM, तो याद रखिए वो हिस्सा जो अमाशय से जुड़ता है उसे डियोडनम कहते हैं, वो हिस्सा जो छोटी आंत से बड़ी आंत में जुड़ता है उसको कहते हैं इलियम, और इन दोनों के भाग को कहा जाता है जेजुनम। ठीक है, छोटी आंत में ही एक और भी बात हम आपको बता देते हैं। छोटी आंत में उंगली की तरह एक संरचना पाई जाती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, और इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम, याद रखिएगा, रसांकुर के नाम से जानते हैं, जिसे हम माइक्रोविलाई कहते हैं। हम दुनिया भर की चीजें खाते हैं, हम आपको मोमोज खा लिया, पिज्जा खा लिया, बर्गर खा लिया, दाल चावल सारी चीजें खा ली, उन सभी चीजों को अवशोषित करके हमारे ब्लड में पहुंचाने का काम किसका होता है, तो उसका नाम है माइक्रोविलाई। रसांकुर कहते हैं जो चीजों को अवशोषित करने का काम करता है। तो चलिए, ऐसा कौन सा अंग है जो खाने का अवशोषण करता है, तो उसका नाम है छोटी आंत में पाया जाने वाला माइक्रोविलाई। एक बार एग्जाम में आईएएस में प्रश्न पूछा था, चार ऑप्शन थे, वो चार ऑप्शन में एक ऑप्शन गलत था, 3 ऑप्शन सही थे, तो आपको गलत उत्तर चयन करना था। मैं अब आपसे उस प्रश्न को यहां पर बताने की कोशिश करता हूं, तो सुनिएगा जरा मेरी बात को। कोई प्रश्न ये था, रसांकुर के बारे में क्या बातें सही हैं या क्या बातें यहां पर सही हैं और कौन सा प्रश्न का उत्तर गलत है। तो पहला क्या था, रसांकुर या माइक्रोविलाई की संरचना उंगली की भांति होती है, पहला उत्तर, लेकिन याद रखिएगा। दूसरा था, यह तो सही है क्योंकि उंगली की तरह संरचना है। दूसरा, इसमें रक्त नलिकाएं पाई जाती हैं, यह भी सही उत्तर है। देखिए, रक्त नलिकाएं पाई जा रही हैं ताकि अवशोषण हो जाए, दूसरा चीज जानते हैं। तीसरा जो उसका ऑप्शन था कि यह खाद्य पदार्थों के अवशोषण में मदद करती है, यह भी सही है। और हां, रसांकुर बड़ी आंत में पाया जाता है, तो याद रखिएगा रसांकुर बड़ी आंत में नहीं, जबकि कहां पाया जाता है, छोटी आंत में पाया जाता है। यह आपके आईएएस का प्रश्न है, यह जरूर ध्यान रखिएगा। अब आइए दूसरी तरफ ध्यान रखते हैं। अब आप ये बताओ, पाचन क्रिया कहां से प्रारंभ होती है, स्टार्ट कहां से हो रही है, माउथ से,
समाप्त किस जगह पर हो रही है, उस समाप्त वाली जगह का नाम है छोटी आंत। तो अब आपके समझ में आ रहा होगा कि आखिरकार पाचन क्रिया किन जगहों पर होती है। तो पाचन क्रिया माउथ में होगी, आमाशय में होगी और छोटी आंत में होगी। पाचन क्रिया कभी भी बड़ी आंत में नहीं होती। बड़ी आंत का पार्ट है कोलन, ये एसेंडिंग कोलन है, ये डिसेंडिंग कोलन है। कोलन बड़ा भाग है, सीकम छोटी आंत से जुड़ा। मैंने फिर आपको कहा टर्मोलॉजी, शब्दों पर ध्यान दीजिए, शब्द ही महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे यहां पर डियोडनम, जेजुनम, इलियम, वैसे ही यहां पर कोलन, सीकम, रेक्टम। आप यहां देख रहे हैं दो यूएम यूएम, छोटी आंत या बड़ी आंत से जब शब्द मिले तो यूएम याद रखिएगा, ताकि आपको चीजों को समझने में आसानी रहे। तो बड़ी आंत में कोई पाचन नहीं होता। ऐसा कौन सा हिस्सा जो छोटी आंत से जुड़ा होता है, नाम है क्या? सीकम। और ऐसा कौन सा हिस्सा छोटी आंत का जो बड़ी आंत से जुड़ा होता है, उसका नाम है क्या? इलियम। तो बड़ी आंत में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से आप इस बड़ी आंत को आपके शरीर में लगाया गया है? तो याद रखिएगा, बड़ी आंत में आप जितना भी पानी पीते हैं, जितना भी आप मिनरल खाते हैं, याद रखिएगा जितना भी आप खनिज खाते हैं, उन सब का अवशोषण होकर आपके ब्लड में जाने की प्रक्रिया को यह पूर्ण करता है। जबकि छोटी आंत खाने के अवशोषण में मदद करता है और बड़ी आंत पानी और मिनरल के अवशोषण में मदद करता है। और यह सभी अवशोषण होकर के किस जगह पर चला जाता है, और उस जगह का नाम है रक्त। तो हमारा अभी तक मैंने तीन बातें आपको बताई। पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग छोटी आंत है, जबकि इसके तीन भाग हैं डियोडनम, जेजुनम, इलियम। इसमें से भी सबसे लंबा पार्ट 3.5 मीटर है इलियम, जो बड़ी आंत से जुड़ा होता है। याद रखिएगा डियोडनम आमाशय से जुड़ा है, बीच के भाग को जेजुनम कहते हैं। रसांकुर क्या कहलाता है? रसांकुर एक ऐसा है जो उंगली की तरह संरचना, इसमें रक्त नलिकाएं होती हैं जो खाने के अवशोषण में मदद करता है। याद रखिए पाचन क्रिया कहां से शुरू होती है? माउथ से। कहां पर खत्म हो जाती है? छोटी आंत पे। तो याद रखिए केवल और केवल पाचन तीन जगह होता है, माउथ में, आमाशय में और छोटी आंत में। बड़ी आंत में कोई पाचन नहीं होता। बड़ी आंत में सिर्फ वाटर और मिनरल का अवशोषण होता है, और खाना हो या पानी हो, सभी चीज अवशोषित होकर कहां जाएंगी? तो आप याद रखिएगा ब्लड में, और ब्लड हमारे शरीर में उसको चारों तरफ घुमाने का काम करता है। आमाशय के भी तीन भाग हैं। जो ग्रास नलिका से जुड़ा है उसे कार्डिक कहते हैं। मैंने फिर कहा शब्दों पर ध्यान दीजिए। जो छोटी आंत से जुड़ा है उसे पाइलोरिक कहते हैं, और जो बीच वाला पार्ट है उसे फंडिक कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले करके इन शब्दों के चयन और इन शब्दों को समझने की कोशिश करिएगा। और याद रखिएगा आप हाईवे देखे होंगे। अभी तक तो मैं अंगों के बारे में बता रहा था, लेकिन अब आपको बताता हूं प्रक्रिया। आपने हाईवे देखा होगा, हाईवे पे लोग जाते हैं, अगल बगल ढाबा होता है। उस ढाबे में जब वो जाते हैं तो जाने के बाद फ्रेश हो जाते हैं और फिर गाड़ी अपना लेके आगे बढ़ जाते। उसी सेम प्रकार ये आपका हाईवे, इस हाईवे से लोग जा रहे हैं, खाना जा रहा है, और ये इस ढाबा है लीवर वगैरह, इसमें आकर के ये फ्रेश हो जाते हैं, और यहाँ पर खाना इसके अंदर नहीं जाएगा, खाना यहीं से गुजरेगा, बस यहाँ से जो जूस होता है वो मिल जाता है और आपके खाने का पाचन प्रारंभ हो जाता है। खाने को पचाने से पहले मैं यहाँ पर 3-4 चीज़ों की चर्चा करूँगा, नाम ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं लीवर की चर्चा करूँगा, बाद में अग्नाशय की चर्चा करूँगा, दूसरा अब उसके बाद मैं आपको माउथ से जब स्टार्ट करूंगा, तो माउथ में आप ही बताइए कितने पार्ट होते हैं। तो माउथ में कुल 3 पार्ट होते हैं, यानी दांत, टीथ, टंग, जीभ, और जो तीसरी चीज है उसका नाम है लार या सलाइवा, जो मुंह में हमेशा बनता रहता है। मेरे भी बन रहा है, आपके भी बन रहा है, कुछ स्वादिष्ट चीज का नाम लीजिए, दिमाग तुरंत आपको कहेगा लार निकालो, फिर लार ग्रंथियां लार निकाल देंगी। अब देखिए यहां लीवर, लीवर के अंदर भोजन नहीं जाता, मैं फिर कह रहा हूं लीवर एक ऐसा अंग है जो बहुत महत्वपूर्ण है, शराबियों में अक्सर खराब हो जाता है, और हां
अजीबोगरीब भोजन करने से रोज तला भुना खाना खाने से भी लीवर खराब हो जाता है, जिसको हम वसीय यानी वसा से संबंधित लीवर कहते हैं, ध्यान रखिएगा। हमारे शरीर का सबसे हैवी अंग कौन सा, सबसे भारी अंग, तो उत्तर होगा लीवर। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो आपका उत्तर होगा क्या, लीवर, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आप लोगों को पता होना चाहिए हमारे इस लीवर में, हमारे इस लीवर में एक चीज पाई जाती है जिसका नाम है हिपैटिक कोशिका, यानी हिपैटिक सेल पाई जाती है, इसे हम हिपैटिक कोशिका के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए हिपैटिक कोशिका, आपको पता होना चाहिए हिपैटिक कोशिका से लीवर बनता है, और इसीलिए स्टडी ऑफ लीवर हिपैटोलॉजी कहलाता है। तो आगे फ्यूचर में चल करके मैं आपको इसकी प्रक्रिया समझाने जा रहा हूं, और आपको मैं दांत, जीभ और लार बताऊंगा अगले वीडियो में, और फिर उसके बाद मैं आपको भोजन के पचने की प्रक्रिया समझाने की कोशिश करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, अगली वीडियो में फिर उपस्थित होंगे। मैं सुधीर कुमार त्रिपाठी, आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद।